दोस्तों मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल चौर टेक्निकल। परिस्थिति कैसी भी हो सोच हमेशा सकारात्मक बनाए रखिए। इस कहानी से समझते हैं। किसी गांव में दो साधु रहते थे। वे दिन भर भीख मांगते और मंदिर में पूजा करते थे। एक दिन गांव में आंधी आ गई और बहुत जोरों से बारिश होने लगी। दोनों साधु गांव की सीमा से लगी एक झोपड़ी में निवास करते थे। शाम को जब दोनों वापस पहुंचे तो देखा कि आंधी तूफान के कारण उनकी आधी झोपड़ी टूट गई। यह देखकर पहला साधु क्रोधित हो गया और बुड़बुड़ाने लगा, भगवान तू मेरे साथ हमेशा ही गलत करता है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में तेरी पूजा करता हूँ, फिर भी तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। गांव में चोर लुटेरे झूठे लोगों के तो मकानों को कुछ नहीं हुआ। हम बेचारे साधुओं की झोपड़ी तूने ही तोड़ी होगी, ये तेरा ही काम है। हम तेरा नाम जपते हैं पर तू हमसे प्रेम नहीं करता। तभी दूसरा साधु आता है और झोपड़ी को देखकर खुश हो जाता है, नाचने लगता है और कहता है, भगवान आज विश्वास हो गया तू हमसे कितना प्रेम करता है। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने ही बचाई होगी, वरना इतनी तेज आंधी तूफान में तो पूरी झोपड़ी ही उड़ जाती। ये तेरी ही कृपा है कि अभी भी हमारे पास सर ढकने की जगह है। निश्चित ही ये मेरी पूजा का फल है। कल से मैं तेरी पूजा आराधना और करूँगा, मेरा तुझ पर विश्वास और बढ़ गया है। जय हो। दोस्तों इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई परेशानी आए आप उसमें अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखिए, यही जीवन का आधार है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इस वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन आपके लिए लाता ही रहता हूँ। जय श्री कृष्ण।